Check the mic and make sure it sound right, boys. हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग द अनचार्टेड में और मैं विपुल श्रीवास्तव का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं एक वीडियो लेके, बट इस वीडियो में हम लोग कोई प्लेस एक्सप्लोर करने नहीं जाने वाले हैं। आपने तो थंबनेल देखे लिया होगा कि हम गोप्रो को लेने जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है आपको मैं क्विक ब्रीफ दे देता हूँ कि कौन सा गोप्रो लेंगे, ओरिजिनल है कि नहीं है, उसको कैसे ढूंढेंगे और कहाँ से लेना चाहिए गोप्रो अकॉर्डिंग टू मी, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। किसी को भी कोई भी ब्लॉगर देख रहा है ये, तो ये जरूर एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें ही आपको पता चलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस खुशी के अवसर को किसी और के साथ भी शेयर करते हैं। तो मैं निकल गया अपने दोस्त के घर पे उसको लेने के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ और वो लेट का जो टाइम है वो लगभग एक घंटा लेट हूँ मैं। कितने देर से वेट कर रहे थे? एक घंटा हो गया भाई, पेट दुखने लगा मेरा। तेरे को आधे घंटे पहले तो फोन किया था। पर वेट तो मैं रात भर से कर रहा था, ऐसे तो तुम उसका भी गिना दोगे। तो मैं कैमरा लेने के लिए इतना एक्साइटेड था कि मैं कैश लेना ही भूल गया और यहाँ पे कैश से ही पेमेंट होता है। तो हमने उनसे बात किया तो उन्होंने एक स्लिप दिया और उस पर लिख दिया कि अगर आप विथिन 1 आवर निकलते हो तो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पार्किंग की, और अगर आपका 1 आवर एक्सीड होता है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको मैं लास्ट में बताता हूँ कि मैंने पार्किंग का पेमेंट किया कि नहीं किया। और इसी के साथ हम लोग क्रोमा स्टोर पे पहुँचे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने ली वहाँ पे रिगार्डिंग गोप्रो के बारे में, और अंदर क्या हुआ, क्या इन्फॉर्मेशन मिला, मैंने गोप्रो लिया कि नहीं लिया, वो अब आप सुनिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि हम क्रोमा में गए थे और क्रोमा में जाने के बाद हमको गोप्रो 9 लेना था और इसके साथ ही हमने गोप्रो 10 का भी प्राइस पूछा। तो वहाँ पे कुछ ऑफर्स थे, सिलेक्ट किया कि चलो गोप्रो 9 लेते हैं क्योंकि GoPro 10 बजट के बाहर जा रहा था और उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। बट प्रॉब्लम ये था कि GoPro 9 वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो फिर हम लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि अगर आपको इंस्टेंटली GoPro चाहिए तो एक दो दिन के अंदर आ जाएगा, कल तक आ जाएगा, बट आपको इधर पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये बात सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट को नहीं देखे बिना मैं कैसे लूँ। तो फिर बाद में मैंने ये भी देखा कि एक बंदा आया था, हम लोग 10 मिनट लेट थे, तो इसके वजह से जो GoPro 9 मैं लेने गया था वो बंदा वो GoPro 9 लेके चला गया, तो GoPro 9 का कोई स्टॉक में था नहीं। तो बाद में पता चला ये कि GoPro 9 लेने के लिए जब आप पूरा पेमेंट करोगे तभी आप उसको खोल के चेक कर सकते हो। तो इसलिए मैंने वहाँ पे पेमेंट कर दिया और हमको ये बिल मिला हुआ है। और इसी के साथ हम लोग प्रोडक्ट के साथ नहीं बट प्रोडक्ट के बिल के साथ जा रहे हैं और एक ट्रस्ट के साथ जा रहे हैं कि क्रोमा है तो कुछ इशू नहीं होगा ओरिजिनलिटी में। तो चलिए मिलते हैं कल, और तब तक के लिए बाय बाय। तो इसी के साथ ये सब हुआ हमारे साथ उस दिन। अब चलते हैं नेक्स्ट डे और आपको दिखाते हैं कि हमारे पास GoPro है कि नहीं। Day 2। तो आपका स्वागत है सेकंड दिन में, और डे सेकंड में हम लोग आए हैं उसी टाइम पे अराउंड, और देखते हैं हमारा GoPro अंदर है कि नहीं है। A few moments later। तो इस वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वापस से GoPro की अनबॉक्सिंग करेंगे और ये देखेंगे कि कितना इसका प्राइस था, कितने सारे डिस्काउंट लगे और कितने में मुझे ये GoPro पड़ा, कौन से वेज होते हैं जो ओरिजिनल और फेक GoPro को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद कर सकता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, ब्लॉगर हो, तो GoPro के साथ आपको कौन से एडिशनल प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए जो आपकी बहुत मदद करेगा ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ दैट क्रिएटिंग कंटेंट, उसकी भी हम लोग प्राइस अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं, और मेरे सजेशंस ओपिनियंस जो हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। ये सब मैं इस वीडियो में डाल सकता था बट ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए एक डेडिकेटेड नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। तो जुड़े रहिएगा एक्सप्लोरिंग द अनचार्टेड के साथ, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। एक चीज लेने आए हैं और उसमें इतने सारे कार्ड हैं। पैसा भाई, पैसा पैसा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ। ये 25 रुपए का बाकी था पावती। एट द एंड में पार्किंग का जो पैसा था वो हमने नहीं दिया क्योंकि हम लोग विथिन 1 आवर निकल गए थे। Check the mic and make sure it sound right, boys.